नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। जी हां दोस्तों, मौर्य वंश भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 सालों तक शासन किया। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज के बिहार और बंगाल में स्थित है। उस वक्त इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था, तब चाणक्य मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मगध को ख़त्म होने से बचाया जा सके। लेकिन मगध के सम्राट घनानंद ने उनकी बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान भी किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिला कर रहेंगे और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। उस समय भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढने था जो उस पर राज कर सके। उस समय कुछ ही शासक जातियां थी जिसमें शक्य और मौर्यों का प्रभाव ज़्यादा था। चंद्रगुप्त इसी जाति के गण प्रमुख का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो कुशल राजा और योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति, युद्ध और राज्य के मामलों में पूरी तरह से निपुण कर दिया। चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार करने के बाद चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार की। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश के सम्राट घनानंद को सबक सिखाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद को प्रधानमंत्री बनाया। दोस्तों, इसके बाद मौर्य वंश के पतन का भी आरंभ हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में जाकर हुआ, अशोक के बाद में। तो इसके पतन के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि मौर्य वंश के पतन का अगर हम सबसे महत्वपूर्ण कारण देखें तो अशोक के बाद आए सभी राजा और उत्तराधिकारी वो अयोग्य थे। दूसरा, इस वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या भी पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और अन्य कारण भी हो सकते थे, जैसे प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने बात की कि कैसे मौर्य वंश का उत्थान हुआ और धीरे धीरे किन कारणों से वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।